नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप देख रहे हैं हमारा हिंदुस्तान। दोस्तों, अभी जिस तरह से हरियाणा में रिजल्ट आया है, इसके बाद अभी पूरे देश में माहौल गर्मा गर्म हो चुका है। बता दें कि कांग्रेस, जिसकी उम्मीद थी जीतने की, वो हार चुकी है और बीजेपी जीत चुकी है। इसके बाद बीजेपी लगातार जीत का जश्न मना रही है, वहीं कांग्रेस हार के बाद कई सारी टिप्पणी कर रही है और शोक भी मना रही है। इन सबको लेके वो कई सारे बयान दे रही है कि सो ईवीएम में गड़बड़ी होने की वजह से बीजेपी जीती है और आरोप प्रत्यारोप का मामला लगातार चल रहा है। कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा में आप पिछले एक महीने से हम लोग देख रहे थे कि आसपास शायद 20-22 में सिमट रही थी और वो 48 पा रही। कांग्रेस, जिसका बहुत अच्छा जाना जा रहा था, वो मेजोरिटी में भी नहीं आ रही, तो कुछ तो बीच में लग रहा है, कुछ हुआ है। मतलब कांग्रेस जो एग्जिट पोल में बार बार दिखाया जा रहा है कि सो वो जीत रही है, इवन मतलब यूट्यूबर्स हो गए, गोदी मीडिया भी हो गए, गोदी मीडिया ऑलरेडी सब जानते ही होंगे, तो हर जगह इवन गोदी मीडिया जो कि हमेशा भाजपा के गुड़ गाती है, वो भी भाजपा को निगेटिव दिखा रही है, इसके बाद भी भाजपा जीत रही है, तो कुछ तो गड़बड़ हुआ है मेरे हिसाब से। क्या गड़बड़ हुआ है, क्या लग रहा है? जैसे अभी कुछ न्यूज ऐसी भी आ रही है कि 99% ईवीएम भी चार्ज थी, जो कि जिसमें से ये हार रहे हैं, और कई जगह पे ऐसी भी कुछ न्यूज आई है जहां पर वोटिंग जो हुई है और जो काउंटिंग हुई है उसमें अंतर है, तो ये कैसे हो सकता है? मतलब वोटिंग हुई है, काउंटिंग हुई है, क्या अंतर? उसमें अंतर है, मतलब काउंटिंग में अंतर है, वोटिंग में अंतर, जो वोटिंग परसेंटेज है वो अलग था, काउंटिंग परसेंटेज है वो अलग है। अच्छा, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, तो अच्छा, लेकिन एक और बात है कि आरोप लगाया जा रहा है बार बार कि सो भाई जहाँ पे कांग्रेस जीत जाती है वहाँ पे ईवीएम पे कोई सवाल नहीं आता, लेकिन जहाँ पे हार जाते हैं वहाँ पे ईवीएम पे लगातार सवाल आता है। हाँ, इसमें मैं यही कहना चाहूंगा, ये कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती है। अभी तक कांग्रेस को सारे विपक्ष को साथ लेकर के एक बड़ा देशव्यापी आंदोलन करना चाहिए और ईवीएम के खिलाफ, इवन ये जीत रहे हैं तो भी इन्हें ईवीएम के खिलाफ में बोलना चाहिए। यहाँ पे कांग्रेस पूरी तरीके से गलत है। जहाँ पे जीत रही है, हमारी यूपी से ही समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने बोला था कि हम जीते या हारे हम इसके खिलाफ हमेशा रहेंगे। कांग्रेस को भी ऐसा कोई एक स्टैंड लेना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, मतलब अभी जिस तरह से हरियाणा में लगातार मुद्दा चल रहा था, चाहे किसान का मुद्दा हो, युवा का मुद्दा हो, अग्निवीर को लेके या महिलाओं का, तो अब तो मुद्दा केवल हिंदू मुस्लिम बचा है। हिंदू मुस्लिम होगा, पब्लिक ने तो हिंदू मुस्लिम के लिए वोट दिया है ना। मुझे नहीं लगता कि अब वहाँ पे पब्लिक परवाह है युवाओं के रोजगार की। पिछले कुछ सालों से मैं भी इसी बेरोजगार ही हूँ और मैं भी देख रहा हूँ वैकेंसी आई नहीं रही है। इस बार उम्मीद थी काफ़ी सारी वैकेंसी आएगी क्योंकि सरकार बदल रही है, कोई वैकेंसी नहीं आई। यूपी में आप देख रहे हो पिछले 3-4 साल से कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। पुलिस की वैकेंसी आई, उसमें भी आपने देखा ये क्या हुआ था, और इसके बाद में और भी कुछ वैकेंसी आई थी यूपी में, सारी वो हो रही हैं, और इवन के सेंटर में कुछ आनी थी वो भी नहीं आई। पीएसयूज वगैरह की मैं अप्लाई करता रहता हूँ, इस बार बहुत कम आई है वैकेंसी, तो ये तो मुद्दा ही नहीं रहा मेरे हिसाब से। मतलब जिस तरह से अभी आपके हिसाब से इंडिया में कोई मुद्दा नहीं रहा। चलिए एक बात बताइए, आज मोदी जी मतलब भाषण में ये कह रहे थे कि सो भाई जो कांग्रेस है वो लगातार देश को बांटने का काम कर रही है। बांटने का काम कौन कर रहा है, ये आपको भाषणों से साफ दिख रहा होगा। कांग्रेस किसी भी भाषण में ऐसा हिंदू मुस्लिम या ऐसा कोई भी हेड तो दिखाई नहीं दिया जो इनके इसमें दिखाई देता। आप योगी जी को देख लो, जो अभी हरियाणा में जाके जिन्होंने पटेंगे तो कटेंगे बोला हुआ है, इवन मोदी जी ने भी एक दो भाषणों में ऐसे ही कुछ बोला हुआ है, तो वो तो साफ दिख रहा है कि कौन बांट रहा है। ये कह रहे हैं कि सो कांग्रेस लगातार दलित को, ओबीसी को, ओबीसी भाई को बांटने की कोशिश कर रही है, इन लोगों को मतलब देश में ही अलग अलग हिंदू में बांटने की कोशिश कर रही है। बांट कौन रहा है, मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ ना, वो तो आप 4 वीडियोज आप भाजपा के देख लो, 4 वीडियोज आप कांग्रेस के देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा कौन बांट रहा है। ठीक है, भाई अर्पित भाई से बात करेंगे। भाई बताओ कि आपको क्या लगता है, जिस तरह से कांग्रेस अभी हारी है वो हार का पूरा ठीकड़ा मतलब कि बीजेपी के ऊपर फोड़ी है और ईवीएम को लेके मतलब बता रही है कि ईवीएम की वजह से ऐसा कुछ हुआ है, क्या मानना है आपका? देखिए, क्या हुआ है क्या नहीं ये तो हमें पता नहीं, लेकिन अब जब नतीजे आ जाते हैं तो परिणामों को देखकर उस हिसाब से हमें काम करने चाहिए, सीख लेना चाहिए और आगे कोशिश करनी चाहिए कि इससे और बेहतर रिजल्ट दे सके। बाकी तो अब ज्यादा कुछ और कहना उचित नहीं होता रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि सिर्फ मैटर करता है तो अच्छा, क्या लगता है ये रिजल्ट वैलिड रिजल्ट है? जिस तरह से लोग अभी ट्विटर पे ये चीज ट्रेंड कर रहा है कि भाई अगर लोकतंत्र को बचाना है तो ईवीएम को बैन करना जरूरी है, तो आप भी इस चीज को मानते हैं? बिल्कुल, ईवीएम अगर बार बार हर बार हर पार्टी की तरफ से ये मुद्दा है और हर बार पार्टी अगर ईवीएम की बात कर रही है तो ईवीएम बदलने में क्या जाता है? हमारा लोकतंत्र भी कहता है जनता जो सबसे ज्यादा चाहती है वो ही करे। हाँ। इसलिए अगर जनता को भी और लोगों को भी पसंद नहीं आ रहा, मैक्सिमम पार्टी इसके विरुद्ध में है,
तब जाहिर सी बात है ईवीएम मुद्दे को उठाना चाहिए और कोई अच्छा तरीका ढूंढना चाहिए इसके लिए। अच्छा एक बात बताइए, हरियाणा में इतने सारे मुद्दे थे जो कि बीजेपी को कहीं ना कहीं हरा सकते थे और आराम से हरा सकते थे, लेकिन फिर भी राहुल गांधी उस मुद्दे को फ्रेम नहीं कर पाए, एक नैरेटिव सेट नहीं कर पाए अच्छे से, जिस वजह से फिर से कांग्रेस हार गई। तो आपको नहीं लगता कि इसमें राहुल जी अच्छे से नैरेटिव सेट नहीं कर पाए, एक अच्छा नेतृत्व नहीं कर पाए, जिस वजह से वो फेल हुए अभी हरियाणा में? देखिए नेतृत्व का कुछ ऐसा है कि अभी एक सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, जिसके हर नेता और जितने भी लोग हैं सब बहुत ही चर्चित हस्ती हैं और वो अपना रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाकी पार्टी में अभी इतने अच्छे रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं आ पा रहे हैं जो जनता का भरोसा जीत पाए। चक्कर ये, मतलब विपक्ष अगर मजबूत नहीं होगी तो वो पक्ष में कैसे आएगी, सत्ता में कैसे आएगी? तो पक्ष से ज्यादा मजबूत विपक्ष को होना चाहिए, लेकिन ये चीज है नहीं, हो नहीं पा रहा है। विपक्ष के ही जो चेहरे होने चाहिए, विपक्ष के जो लोग आने चाहिए वो बहुत बढ़िया अच्छे आने चाहिए। शायद इनको अपने तरीके बदलने चाहिए, क्राइटेरिया बदल के विपक्ष के जो लोग रिप्रेजेंटेटिव बन रहे हैं शायद उनको एक सही लोग आने चाहिए, मतलब पढ़े लिखे समझदार और जनता से जुड़े हुए लोग आए। अगर ऐसे लोग आते हैं तो विपक्ष भी पक्ष से बेहतर हो सकता है। क्या मानना है राहुल भाई की, सो अभी राहुल गांधी जो आपके ही नाम के आदमी है, मतलब वो अच्छा नेतृत्व करने में कहीं ना कहीं विफल रहे हैं इस बार हरियाणा में? हाँ, रिजल्ट देखने के बाद तो ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं पार्टी में कई सारी आंतरिक जो खामियां हैं उनको ये दूर करना चाहिए, क्योंकि हर चुनाव में हम पिछले कुछ चुनावों से देख रहे हैं इनमें जितने आपसी मतभेद होते हैं, भाजपा कितने भी मतभेद होते हों कभी भी पब्लिक में इनका कोई मतभेद बाहर नहीं आता। अब पूरी एक तरीके से डिसेंट्रलाइज पार्टी दिखती है भाजपा, और जिसका एक अनुशासन बिल्कुल लो लेवल तक दिखता है। कांग्रेस में चीज़ नहीं दिखती, इवन कांग्रेस में अभी हरियाणा में हम देख रहे हैं जैसे कुमारी जो शैलजा थी, शायद यही नाम है ना, हाँ कुमारी शैलजा जी, वो पूरे इलेक्शन रूठी रही, फिर बाद में आकर के वो कांग्रेस की ओर से लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से पब्लिक में तो गलत परसेप्शन जाएगा ना कि आप अपने लोगों को नहीं संभाल पा रहे हो तो आप इतने बड़े स्टेट को कैसे संभालोगे। ये एक बहुत बड़ा मतलब पॉइंट है जो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इस चीज में फेल हो रही है। हर बार हर स्टेट में यही होता है, हरियाणा हो या कहीं भी हो, इनके आपस के जो टॉप लीडरशिप के 2 से 3 नेता होते हैं वो आपस में ही लड़ रहे होते हैं, वो ही आपस में गुटबाजी कर रहे होते हैं, जिसका कहीं ना कहीं कुछ असर तो हरियाणा में साफ पड़ा है। ये तो विपक्षियों का आदत है कि हर बार कहते हैं कि ये होगा वो होगा, जो काम अच्छा करेगा ना वही जीतेगा। अच्छा। और बहुत बढ़िया काम करे हमारे, देखिए जितना जब से योगी सरकार बनी है, प्रधानमंत्री जी योगी हमारे यूपी के, तब से हम लोग यहाँ से स्वतंत्र मुख्यमंत्री मतलब चाय वाला प्रधानमंत्री बन गए, इस वजह से चाय वाले की तारीफ करो क्योंकि आप भी चाय बेच रहे हो। ऐसा नहीं है, चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं, उसका काम अच्छा है, हर गुण अच्छा है, बहुत पहले बन जाना चाहिए। हम लोगों के ये बहुत दुख की बात है कि बहुत लेट मिले हम लोगों को, और नौजवान रहते तो और अच्छा रहता। हमें इस बात का तकलीफ है कि अगला प्रधानमंत्री कोई अच्छा बने, अच्छा कोई अच्छा बने या मोदी बने, मोदी जी का रेट खत्म हो जाए उसके बाद योगी जी बने। अच्छा उसके बाद योगी जी बने। अच्छा ये बताइए, हरियाणा इलेक्शन पे बात कर रहे थे तो मतलब राहुल जी कहते हैं कि सो भाई ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से बीजेपी जीत जा रही है हर जगह। वो विपक्षी लोगों का हमेशा, हर बार जब दिल्ली में बीजेपी नहीं बनी थी तब ईवीएम सही था, जहाँ से बीजेपी हार जाती है वहाँ विपक्षी लोग कहते हैं कि ईवीएम सही है, खराब है, वहाँ खराब है। तो मतलब क्या लग रहा है कि सो मतलब अभी देखिए जनता जिसको चाहेगी ना वही उसी की सरकार बनेगी, किसी के ईवीएम कहने से नहीं हो जाता कि ईवीएम चोरी हो रहा है, ये हो रहा है, जनता जिसको चाहिए। हरियाणा में किसान तो नाराज थे, किसान तो लगातार प्रदर्शन कर रही थी, फिर भी किसान उसको, जो जेन्युइन लोग है ना वो लोग नाराज नहीं है। वो लोग वीआईपी किसान है जो कि काम ही नहीं पता, उनको पता ही नहीं है कि काम कैसे होता है, वो लोग नाराज है। अच्छा जो जमीनी स्तर का किसान है वो तो सही है, वो सही है, हाँ हमारे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब काम हो रहा है आजकल, एक भी काम अगर मिलता है तो जनता तक पहुंचता है, कहीं बीच में रुकावट नहीं है। अच्छा बीजेपी एक बात आज कह रही, मोदी जी कह रहे हैं कि सो भाई कांग्रेस जो है तोड़ने की राजनीति करती है, दलित और समाज, दलित और ओबी मतलब ओबीसी समाज को बांट रही है, मतलब काट रही है, तोड़ रही है ये कांग्रेस। इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं। आपको लगता है कि कांग्रेस मतलब तोड़ने की राजनीति करती है, जातिवाद करती है? जी इस टॉपिक में मैं कैसे बताऊँ, इसमें मेरे को ज्यादा। अरे आप मतलब इतने साल के हो गए, कितना बार से दिए हैं वोट? मैं तो जब से मतलब उम्र हुआ तब से वोट दे रहा हूँ। तो अब जानते तो होंगे ना कि कौन जातिवाद कर रहा है और कौन धर्मवाद कर रहा है। ये जातिवाद ना हमारे यूपी और बिहार में ज्यादा हो रहा है, जिसका ये जातिवाद हमारे हिसाब से कम होना चाहिए। कौन कर रहे हैं सब ज्यादा, कांग्रेस या बीजेपी? अब देखिए इसमें हर आदमी करता है, मैं किसी पार्टी से नहीं बोल रहा हूँ,
हर आदमी को करना नहीं चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं, आप यादव हैं, सबको मिल के जो काम होना चाहिए जेन्युइन होना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा। जो भी काम हो सब हम यहाँ इंडिया के जितने लोग भी हैं सब एक हैं, हिंदू हो मुस्लिम हो, हमारे मुस्लिम भाई हैं, इनसे भी बात कीजिए पूछिए कुछ। मुझे कुछ कोई जानकारी नहीं, उनको तो खैर कोई जानकारी नहीं, ये 20 साल से हमें जानते हैं, हमारे अंदर आज तक ये नहीं आया आखिर कौन क्या है। हम यहाँ संस्था का अध्यक्ष है, यहाँ रेडी पट्टी का अध्यक्ष हूँ, लेकिन जो भी काम करता हूँ हमारे टीम में सब लोग है। अच्छा, रेडी पट्टी का अध्यक्ष है? जी। अच्छा। मेरे टीम में सभी लोग है, यादव मुस्लिम सब है, लेकिन हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है। तो लगते हैं चाय बेचने वाले यहाँ चाय बेचते हैं ये सब भी है? चाय, हाँ सब लोग है, चाय बेचने वाला नहीं। अब देखिए आप सही है, चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री ही नहीं, चाय बेचने वाले रेडी पट्टी के अध्यक्ष भी हो सकते हैं। खैर हम और लोगों से बात करेंगे, बात करके अच्छा लगा आपसे सर। क्या कहेंगे भाई साहब, आपसे बात हो रही थी तभी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नवेंदु सिंह है। क्या नाम हुआ? नवेंदु सिंह है। नवेंदु भाई क्या, कहाँ के रहने वाले आप? हम तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। क्या कहेंगे हरियाणा में जो बीजेपी जीती है उसको लेके, क्या कहेंगे, क्या कुछ लग रहा है कि सही तरीके से जीती है या कांग्रेस के मतलब जिस तरह से अभी लगातार आरोप लगा रही है वो आरोप नहीं, काम किया है तो जीतेगी, नहीं काम करोगे तो फिर हार जाओगे। अच्छा, काम किया लगता है, काम काम किया, काम किया। अच्छा मतलब, या फिर ऐसा लग रहा है कि सो मतलब जैसे किसान नाराज थे, युवा नाराज थे, तो ये मतलब राहुल गांधी इस चीज को सेट नहीं कर पाए, एक नैरेटिव सेट करते तो शायद हो सकता है वो जीत जाते, बट वो नेतृत्व अच्छा नहीं कर पाए। ये वो जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें सेट किए थे, बट उसमें जो बोले थे वो कर नहीं पाए, तो इसीलिए थोड़ा जनता ने फिर से सोचा कि राहुल गांधी जी फिर आके ऐसे कह के चले जाएंगे, काम हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं होता, हर बार थोड़ी हो जाता है, मतलब हर बार जनता बेवकूफ नहीं बनती, नहीं है, सीखती है, जनता भी सीखती है। बीजेपी सरकार बढ़िया है, बीजेपी सरकार बढ़िया है, बढ़िया है, अच्छा है। क्यों अच्छा, वो तो कह रही है कि सो काम किया है, सगर काम कर रहा है, सब स्टेट में काम कर रहा है मोदी जी, सबका रोजगार भी दे रहे हैं, और प्रधानमंत्री योजना भी मिला है, मिला है, हाँ सबका मिला है, किसान का 2-2 हजार मिलता है साल में। किसान को लेके कहा जा रहा है हरियाणा में किसान बहुत परेशान थे, भाई परेशान है, अब वहाँ की सरकार जान परेशान हो गए, मगर मेरे कांग्रेस को लेके कहा जा रहा है, कांग्रेस भाई मतलब जो है जातिवाद करती है, लोगों में फूट डालती नहीं, है, नहीं नहीं जातिवाद नहीं, कांग्रेस को लेके नहीं, नहीं नहीं जातिवाद ही बीजेपी नहीं कर रहा है, कांग्रेस करती है, बीजेपी नहीं करती है तो कांग्रेस करती है, क्या करेंगे, अपना अपना सरकार के लिए लड़ाई तो लड़ता है, सब लड़ता है, मगर जातिवाद ही तो क्या करेगा, लड़ाई तो सब लोग लड़ता है, तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ता है, बात ये है, कुछ तो कुछ तो बोलना पड़ता है। ठीक है, थैंक यू अंकल, और लोगों से इधर बात करेंगे हम, आते हैं। हेलो, हरियाणा में बीजेपी जीत चुके, इसको लेके कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं मैम, बहुत अच्छा लगा हमें, बीजेपी जीती हरियाणा में, अच्छा लगा जी। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि सो भाई ईवीएम में हेर फेर करने के वजह से बीजेपी जीती है, ऐसे नहीं जीती, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे हमें अच्छा मतलब क्या लग रहा है, क्या कारण है, क्योंकि दो बार से बीजेपी जीती लेकिन लोग काफी नाराज दिख रहे थे, एग्जिट पोल में बार बार आ रहा था कि है बीजेपी की, इसलिए जीती है वहाँ पे वोट है। हाँ जी। अच्छा, क्या समीकरण अपनाइए, क्या सैनी साहब को बना दी थी मुख्यमंत्री, इस वजह से जीती है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मतलब वहाँ पे उनको काम को देखते हुए तो जीती है। अच्छा, क्या काम, क्या लग रहा है, कौन सा काम को देखते हुए? वहाँ का जो विकास हुआ है वहाँ पे हरियाणा में, इसी वजह से। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने कुछ लोगों से बात की और बात करने के बाद हमें पता चला कि सो यहाँ पे कई सारे युवा का पक्ष बीजेपी के ओर है, तो कई लोग मान रहे हैं कि सो हरियाणा में कांग्रेस ने अच्छा नेतृत्व नहीं किया जिस वजह से वो हार गई। वहीं कांग्रेस के खुद के पार्टी की बात की जाए तो पार्टी में इतना मतभेद होता है कि लोगों के ऊपर इसका गलत प्रभाव पड़ता है, जिस वजह से लोगों को उनके ऊपर भरोसा नहीं हो पाता, कि ये भी कारण माना जा रहा है उनके हार का हरियाणा में। इन सबको लेके आपका क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, धन्यवाद।